जीवन का महत्व एक बार इसे जरूर सुने। एक दिन की बात है, पिता ने देखा कि उसका बेटा घर के लॉन में गुमसुम बैठा हुआ है। वह बेटे के पास गया और उससे पूछा, बेटा क्या बात है, गुमसुम से क्यों बैठे हो? बेटे ने जवाब दिया, मैं कुछ सोच रहा हूँ पापा। पिता बोला, मुझे भी तो पता चले कि तुम क्या सोच रहे हो। मैं ये सोच रहा हूँ पापा कि मेरी जिंदगी की कीमत क्या है। पिता मुस्कुरा उठा और बोला, अच्छा ये बात है, यदि तुम सच में अपनी जिंदगी की कीमत समझना चाहते हो तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। बेटा तैयार हो गया। पिता ने उसे एक पत्थर दिया जो दिखने में साधारण सा ही था और कहा, बेटा इस पत्थर को लेकर बाजार जाओ। वहाँ किसी स्थान पर ये पत्थर हाथ में लेकर बैठ जाना, कोई इसकी कीमत पूछे तो कहना कुछ नहीं, बस अपनी तीन उंगलियां खड़ी कर देना। बेटा बाजार चला गया और एक जगह पर हाथ में पिता का दिया हुआ पत्थर लेकर बैठ गया। उसे वहां बैठे हुए कुछ समय ही गुजरा था कि एक बूढ़ी औरत उसके पास आई और पूछने लगी, बेटा इस पत्थर की क्या कीमत है? लड़का कुछ बोला नहीं, बस अपने पिता के कहे अनुसार अपनी तीन उंगलियां खड़ी कर दी। बूढ़ी औरत बोली, अच्छा 300 रुपए, ठीक, मैं इस पत्थर को 300 रुपए में खरीदने को तैयार हूँ, मुझे ये पत्थर दे दो। बूढ़ी औरत की बात सुनकर लड़का हैरान रह गया। उसे अंदाजा ही नहीं था कि एक साधारण से दिखने वाले पत्थर के लिए कोई 300 रुपए भी दे सकता है। खैर उसने वह पत्थर बेचा नहीं और घर आ गया। घर आकर उसने सारी बात अपने पिता को बताई। तब पिता ने उससे कहा, इस बार तुम एक म्यूजियम में जाना, वहां भी कोई तुमसे इस पत्थर की कीमत पूछे तो पहले की तरह तीन उंगलियां खड़ी कर देना। लड़का पत्थर लेकर म्यूजियम चला गया। वहां एक आदमी ने उसके हाथ में वह पत्थर देखकर पूछा, इसकी कीमत क्या है? लड़का कुछ नहीं बोला, बस अपनी तीन उंगलियां खड़ी कर दी। आदमी बोला, अच्छा 30,000 रुपए, ठीक है, मैं ये तुमसे 30,000 रुपए में खरीद लूंगा। लड़का यह सुनकर हैरान रह रहा। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई इस पत्थर के 30,000 रुपए भी दे सकता है। पत्थर बेचने से मना कर वह घर आ गया। वहां अपने पिता को उसकी सारी बात बताई। तब पिता ने कहा, अब मैं तुम्हें आखिरी जगह भेजता हूँ। इस पत्थर को लेकर अब तुम किसी कीमती पत्थरों की दुकान पर जाओ और वहां भी कोई तुमसे इसकी कीमत पूछे तो कुछ कहना मत, पहले की तरह बस तीन उंगलियां खड़ी कर देना। लड़का तुरंत कीमती पत्थरों की एक दुकान में पहुंचा। उसके हाथ में वह पत्थर देख दुकानदार तुरंत उसके पास आया और बोला, अरे ये पत्थर तुम्हारे पास कैसे? इसे तो मैं सालों से तलाश रहा हूँ, ये पत्थर तुम मुझे दे दो, बताओ क्या कीमत लोगे इसकी? लड़के ने बिना कुछ कहे अपनी दो उंगलियां खड़ी कर दी। वह आदमी बोला, अच्छा 3,00,000 रुपए, ठीक है, मैं अभी तुम्हें 3,00,000 रुपए देकर ये पत्थर तुमसे खरीद लेता हूँ। 3,00,000 रुपए सुनकर लड़के की आंखें आश्चर्य से फैल गई। यह कीमत तो उसकी सोच से भी बाहर थी। खैर उसने वह पत्थर नहीं बेचा और घर चला आया। घर पहुंचकर उसने अपने पिता को बताया, पापा यकीन ही नहीं हो रहा कि कोई इस पत्थर के 3,00,000 रुपए देने को भी तैयार है। ये कैसा पत्थर है पापा, कोई इसे 300 में खरीदना चाहता है तो कोई 30,000 में, और तो और इसे 3,00,000 रुपए में भी लोग खरीदने को तैयार है, आखिर इसकी कीमत क्या है? पिता बेटे को समझाते हुए बोला, बेटा तुमने अपनी जिंदगी की कीमत मुझसे पूछी थी ना, इस पत्थर की जगह अपनी जिंदगी को रखो और अंदाजा लगाओ अपनी जिंदगी की कीमत का। इस पत्थर की कीमत अलग अलग स्थान पर अलग अलग थी, वैसा ही जिंदगी के साथ भी है। तुम्हारी जिंदगी की कीमत इस बात पर निर्भर करती है कि तुम खुद को कहां पर रखते हो। यदि तुम खुद को 300 रुपए वाली जगह पर रखोगे तो तुम्हारी जिंदगी की कीमत 300 रुपए की है।
यदि तुम खुद को 3 लाख रुपए वाली जगह पर रखोगे तो तुम्हारी जिंदगी की कीमत 3 लाख रुपए की है। अब ये तुम्हें तय करना है कि तुम खुद को कहाँ रखते हो। मोरल लोग हमारा और जिंदगी का अलग अलग मूल्यांकन करते हैं। जो हमसे प्यार करते हैं, हमें अपना समझते हैं, उनके लिए हम सब कुछ होते हैं। लेकिन जो हमें बस इस्तेमाल करना चाहते हैं, हमारा फायदा उठाना चाहते हैं, उनके लिए हम कुछ भी नहीं होते। वास्तव में जीवन अमूल्य है, इसका महत्व समझें।